तो दोस्तों अब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके पैकेट को फाड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह का मोटर आया है। तो इसका अनबॉक्सिंग अभी करते हैं और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर वाटर पम्प। तो दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू वाटर पम्प लिखा हुआ है एस की यू का, और इसका साइज़ जो है यहाँ पर एक क्वान्टिटी लिखा हुआ है, और इसका जो और बहुत सारी डिटेल दिया हुआ है, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस इसको अनबॉक्स कर देना है। तो इसको मैंने कटिंग कर दिया कुछ इस तरह से दोस्तों, और इसको हमें निकाल लेना है इसके अंदर। गाइस इसके अंदर दो पैकेट है, दो ही पैकेट है यार, अच्छा ये नहीं। तो दोस्तों इसका पैकेट ये है, इसके अंदर है वाटर पंप, और इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या मिलता है। पैकेट काफ़ी हैवी है दोस्तों, इसका पैकिंग किया गया है ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है टूट ना जाए, इसलिए इसका काफ़ी हैवी पैकिंग किया जाता है, अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है इसके पैकिंग का। यार ये वाटर पंप काफ़ी छोटा है, तो इसलिए देखते हैं कि ये वैसा ही जैसा मोबाइल में दिखाया गया था या फिर कुछ अलग दे दिया है, तो वापस कर देंगे अगर ठीक नहीं होगा तो, इसलिए अभी देखते हैं। यार है लेकिन काफ़ी छोटा है यार ये वाटर पंप, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, काफ़ी छोटा वाटर पंप है आप देख सकते हैं यहाँ पर। यार सच में ये काफ़ी छोटा वाटर पंप दिख रहा है, आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये वाटर पंप बनाया यानी कि वाटर प्रूफ बनाया गया है, तो इसलिए ख़राब नहीं होगा हम कूलर के अंदर अगर इसको लगाएंगे तो, बट हमारा काम इसे चल जाएगा मुझे लगता है, जानते हैं इसको टेस्ट करते हैं नॉर्मली ये चलता है भी या नहीं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक बैटरी से पावर दूंगा, यहाँ पर ये है मेरे पास मोबाइल की बैटरी, और किसी योग को यहाँ पर रखने के लिए फोर्डिशन बनाया गया है, इसके अंदर एक पाइप लगा सकते हैं। तो फाइनली इसको हम चेक करते हैं, यार काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी चल रहा है ये, बस इसका आवाज़ नहीं है क्योंकि गाइस बिल्कुल नया मोटर है तो इसलिए आवाज़ नहीं करेगा ये, यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बट इसको अभी हमें टेस्ट करना है पानी के अंदर डालने के बाद, कि देखना है इसका पावर कैसा है पानी उठाने की जो कैपेबिलिटी है। खैर दोस्तों आप देख रहे थे यहाँ पर ये है, तो वाटर पंप दोनों वाटर पंप काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब इसको हम पानी में आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस दोस्तों 164 रुपया है, तो वैसे 178 रुपया था लेकिन कुछ रुपये डिस्काउंट हो गया है, तो इसलिए 164 रुपये का मुझे ये मिला है, और इसमें शायद प्राइस यहीं पर डाला होगा कहीं पर शायद, बट दोस्तों ये काम अच्छे तरीके से करता है, और आप लोग देख रहे थे यहाँ पर ये काफ़ी क्यूटली है, काफ़ी सुंदर भी दिखने में लग रहा है। यहाँ पर इसका स्टैंड है जो आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो या फिर चिपका सकते हो किसी पर, एक पाइप इसके अंदर लगा देना है एक पाइप यहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वाले वाटर पंप को दिखाता हूँ चलाकर, मिनी वाटर पंप को, इस वाले कटोरे में पानी है और देखना आप लोग इसका पानी का प्रेशर ला बैटरी छोटी। तो अब देखना यहाँ पर मैं इसके अंदर इसको डाल दिया हूँ सिंपली, और इसके अंदर चलाता हूँ इसको बैटरी से, दिखाता हूँ तो यार इसके अंदर काफ़ी तेज चल रहा है, यहाँ पर ये पानी दिख रहा है, दिख रहा है। ये काफ़ी तेज पानी दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं पानी थोड़े में बढ़ा दो उधर पानी डाल दो। तो दोस्तों ये था 3.7 वोल्ट की बैटरी से जब मैंने पावर दिया गाइस, तो इतना इसका प्रेशर है पानी निकलने का, लेकिन दोस्तों आप देखना ये है क्या ये 12 वोल्ट की बैटरी से पानी देगा, और देगा तो कितना तेज देगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, देखते हैं, हो सकता है ये मोटर दब भी सकता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट देखते हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं था खास, बट इसका डिजाइन देखते हैं कि दबता है कि नहीं। तो अब देखते हैं इसका पावर पानी निकलने की शक्ति। अरे बाप रे। तो दोस्तों आप देखे तो 12 वोल्ट की बैटरी से पावर देने की इसकी शक्ति काफी तेज होती है यार। 12 वोल्ट पे ये खराब नहीं हुआ मोटर, बल्कि काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, पानी काफी तेज दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने 12 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगा दिया। तो दोस्तों आपने देखा दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये वाटर पंप काम कर रहा है, और 12 वोल्ट पे गाइस ये बहुत ही हाई प्रेशर के साथ पानी को निकाल रहा है, जबकि गाइस इसको छोटे बैटरी से अगर हम चलाएंगे 3.7 वोल्ट से तो ये नॉर्मल सा पानी को देगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी देगा, लेकिन अगर हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी से पावर देंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये हाई प्रेशर
पानी देगा, यानी फुल आरपीएम पे देगा जितना इसकी हाई आरपीएम है मैक्सिमम। तो इस तरह से आप लोग इसको वाटर पंप में बना सकते हो, या फिर आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसमें लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली गाइस आप इसको वाटर यानी कूलर में बना सकते हो, कूलर के यानी कि डायरेक्टली आप इसको कूलर में लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अब दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समझते हैं, हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, नई टॉपिक तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।